मंत्री जी यही आपके खिलाफ मीडिया में बोल रहा था। क्यों तुम्हारे इतने हिम्मत, ले जाओ इसको अच्छे से खातिरदारी करो। माफ कर दिया मंत्री जी। हेलो, क्या एक्शन रिएक्शन कर रहा है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे देश की इज्जत का सवाल है। अरे जैसे भी हो डॉक्टर, तुमको निपटाना है। बहुत भीड़ चल रहा है, बड़ी मुश्किल से हम नंबर लगाए हैं। हम तो रातें में बुकिंग कर लिए थे, सोचे थे आज कम ही खत्म कर ले वैक्सीन। ठीक ही कहते हैं यार, वैक्सीन लेके टेंशन ही खत्म कर देंगे। अरे कोरोना दुनिया में कुछ है थोड़े, सब खाली अफवाह। मोदी का जो है सब चाल है, वैक्सीन लगाने से नसबंदी हो जाता है। ये जनसंख्या कम करने का मंसूबा लगाया है मोदी सरकार, कुछ नहीं। देखो हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, कहाँ कुछ कोरोना होता है। वैक्सीन तो भाजपा का वैक्सीन है, हमारे पार्टी बोले है किसी भी व्यक्ति को ये वैक्सीन को नहीं लेना है। एकदम सही बोला तू, हम ड्राइवर सब भी कोई वैक्सीन नहीं ले। लो आ गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजौन। हाँ हेलो मसरूर, हाँ वैक्सीन लेने जा रहे हैं। अरे वैक्सीन से मतलब मेरे गांव में एक आदमी वैक्सीन लिया था वो मर गया है। क्या वैक्सीन लेने से मर गया? क्या बोल रहे हो यार? सच बोल रहे हैं, वैक्सीन से ही मरा है। हम वैक्सीन नहीं लेंगे। हम जा रहे हैं, हम वैक्सीन नहीं लेंगे। वैक्सीन लेने से हमको फोन क्या था? वैक्सीन लेने से मर जाता है। कुछ नहीं होता, हम वैक्सीन नहीं लेंगे। हम वैक्सीन नहीं लेंगे। हम वैक्सीन नहीं लेंगे। अरे कुछ नहीं होता है, हम सब समझते हैं तुम लोगों का। हमारी मेरी गर्लफ्रेंड को हथियाना देता है। हम नहीं लेंगे। कुछ नहीं होता। चलो जल्दी से चार चार के क्रम में भेजना, चार ठो अंदर चलिए। सर अरे ठीक है, पहले उसी को देंगे। और कुछ? कैसा है यार, उधर देखिए ना, अच्छा नहीं लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है। चलो टी शर्ट ऊपर कीजिए, देखो देखो जरा से कंपाउंड क्या तुम करता है जी। ली ज्यादा सलाइएगा नहीं, बस पकड़े रखिएगा, ठीक है? जाइए, आधा घंटा आराम कीजिएगा, भागिएगा नहीं। हाँ जी, और तुम्हारा क्या होगा? सर रुकिए सर। क्या प्रॉब्लम है? सर गजब है। ए कंपाउंडर पकड़ो इसको। सर नहीं सर। अरे सर नहीं सर। बाबू अमना तो हो गया अमना। क्या बाबू, अरे यार आज मैं बहुत थक गया यार। देखा दोस्त हम चलते हैं यार। ठीक है दोस्त, हम लोग काम में आएंगे। काम में तुम आराम करो। ठीक है चल। अरे यार मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा सर, घूम रहा है यार। अरे यार मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा दे रहा। अरे यार मैंने बोला था मैं वैक्सीन नहीं लूंगा यार। अरे यार मुझे चक्कर आ रहा है यार। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब क्या वैक्सीन लेने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? डॉक्टर साहब वैक्सीन लेने के बाद कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? हाँ आपको भी कुछ दिखाई, इसको
आ गया, बुला 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 बुला। डॉक्टर साहब हमको बचा लीजिए, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमको बचा लीजिए किसी तरह, हमको बचा लीजिए डॉक्टर साहब, हम मरना नहीं चाहते डॉक्टर साहब, हमको बचा लीजिए, हम पूरा अपना जमीन जायदाद दे देंगे, हम अपना गर्लफ्रेंड दे देंगे, हमको बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मेरे तरह इसको भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, या अल्लाह जरूर वैक्सीन में कुछ घोटाला हुआ है। दोनों अपना अपना आम बंद करो, हम तुरंत अपनी समस्या सॉल्व कर देंगे। घोटाला हुआ है वैक्सीन में, और वैक्सीन में उससे कुछ किया जा रहा है। अब अपना आँख खोलो। हाँ, मुझे दिखाई देने लगा, मुझे दिखाई देने लगा, मुझे भी दिखाई देने लगा, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बेकार परेशान हो रहा था, ये हुआ क्यों जानता है? ये वैक्सीन के कारण नहीं हुआ था, वैक्सीन से कुछ भी नहीं होता है, ये तुम दोनों का चश्मा अदला बदली हो गया है ना, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। तो भाइयों, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी वैक्सीन जरूर से जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जिससे कि आंखें खराब हो सके, सिर्फ और सिर्फ एक दो दिन के लिए फीवर या फिर बदन दर्द का अनुभव हो सकता है। ये वैक्सीन जो बनाया गया है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है, इसलिए निसंकोच आप लोग जो है वैक्सीन लगवाइए, और कोरोना के तीसरे लहर से अपने खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।